ना 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 नहीं 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 चल 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 चलेगी 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 नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। खुश हुए इस गाड़ी को देख के, जानता हूँ हुए होंगे। तो आज ना एक ऐसी ड्रैग रेस लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए इस गाड़ी की। मैं कह सकता हूँ जितने महीनों से मैंने यूट्यूब शुरू करा है तब से उस गाड़ी की आपको भी वेट थी, मेरे को भी वेट थी कि ये जो ड्रैग रेस है ना इस गाड़ी के साथ उस गाड़ी की करनी ही पड़ती। तो आज फाइनली है मेरे साथ टाटा की हैरियर। टाटा हैरियर वही 170 BHP वाला क्रायोटेक इंजन 2 लीटर का, जो अपना निकालता है 170 BHP और 350 Nm का टॉर्क, डीजल ऑटोमेटिक हैरियर ही है। देख लो पीछे से, आपको डिज़ाइन जो इसका समझ आ जाएगा, सफारी नहीं है। तो टाटा हैरियर और XUV500 की ड्रैग रेस ना, मैं कह सकता हूँ इतने गिनने भी बैठूँ ना तो सैकड़ों कमेंट्स आ चुके कि टाटा हैरियर और XUV500 की ड्रैग रेस करो। तो सबर का फल मीठा होता है, जानता हूँ। अपनी फेवरेट XUV500 की ड्रैग रेस करने आ चुका हूँ मैं टाटा हैरियर के साथ में। तो करके देखते हैं ड्रैग रेस, कौन सी गाड़ी कितने आगे निकलती है। अपनी XUV का आपको पता है 2.2 लीटर 140 BHP और 320 Nm का टॉर्क। बस फर्क ये है, ये गाड़ी जो है 10 साल पुरानी है और इस गाड़ी ने 2.5 लाख किलोमीटर कवर कर लिए हैं ऑन रिकॉर्ड्स ऑन ट्रैक। तो देखते हैं ड्रैग रेस करके 10 साल में 2.5 लाख किलोमीटर के बाद ये गाड़ी क्या कुछ रिस्पांस देती है, इसके आसपास खरी उतरती है, कर पाती है इसका कंपटीशन या फिर बुढ़ापा जिंदाबाद। तो देखते हैं ड्रैग रेस करके कौन सी गाड़ी कितना आगे निकलती है। करते हैं ड्रैग रेस शुरू। तो फर्स्ट राउंड के लिए अपनी XUV के अंदर मैं आ चुका हूँ और शुरुआत ही करेंगे हम रोलिंग रेस। रोलिंग रेस कैसे, गाड़ी रहेगी मेरी दूसरी गियर पे, एसी मेरा रहेगा ऑफ, ESP मेरा रहेगा ऑफ। जैसे करो, हम तो एसी ऑन करके ट्रैक्शन ऑन करके सही स्वाद हम फुल पे एसी मारो। तुम ओके, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ। तो 30 की स्पीड हम करेंगे मेंटेन। और जब मैं हॉर्न दबाऊंगा तब रेस करेंगे हम शुरू। चल चल चल, रोलिंग रोलिंग रेस, और हम दबा हो गए, रुक जा, 1 2 कांच दे, अरे अरे चल 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 चल, डूब का मर जा। ये देख XUV, ये देखो भाई, खूब गैर मार ले। खूब गैर मार ले, ब्रेक मार लिया पागल। तीसरा हनुमान गैर है इसका, ना सही में कवर करन लाग रही थी भाई। हाँ, कवर कर दी थी। कवर ये क्या था भैया, इस गाड़ी के अंदर है कुछ मजाक के अलावा, ये गाड़ी नहीं घोड़ा है कसम से। किलोमीटर देखो पहले, मैं तुम्हें किलोमीटर दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ यार? क्या हुआ, क्या हुआ? गाड़ी आ गई थी,
कब थी? बाकी तारीफ करनी पड़ेगी, एक्सयूवी की कवर कर रही थी। आगे निकलाई थी भैया? ना कवर ही किया था, बस ब्रेक ले लिया था। हमने ब्रेक ले लिया था, कवर ही किया था, इतना अच्छा था, कर रही थी। हाँ आ रही थी, मतलब आ चुकी थी, वो ब्रेक लगाना पड़ गया, गाड़ी थी वहाँ पे। कैसे करना है? एसी ऑफ कर दिया है। क्यों कर दिया? चलो कोई नहीं, एसी ऑफ कर दिया, देखेंगे। एसी ऑफ कर दिए, यहाँ से उठाते हैं और स्पीड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला वाला जो है 30। भैया कवर हो रहा था बहुत अच्छा, जानता हूँ मैं। रोलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है भाई। रोलिंग की जो बेताज बादशाह हैरियर, इसने एडवांटेज मत दे, वो गया देखा। अरे इसने गया डाउन। इस है भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड को लैग ले लिया इसने, लैग लेगी भाई थोड़ा, ये गई एक्सयूवी जीत गई है। एक्सयूवी जीत गई भाई पुरानी, जिसने अच्छी अच्छी गाड़ियों को हराया है, उसने हैरियर को भी हरा दिया है। अरे मेरी गोली, अरे मेरी चिती। भैया सीन समझ नहीं आया मेरे को, जेन्युइनली समझ नहीं आया, मतलब देखो। क्या बताऊं, वंस अगेन यार, ये जो हमने करा था ना पहला जो राउंड था, वो मेरे को वापस रिपीट करना है। एसी मेरा ऑफ है ऑब्वियसली, ईएसपी मेरा ऑफ है, और ठीक है आ रहा हूँ मैं। अच्छा कोई एडवांटेज चाहिए तो बता दे। तुमने क्या कर रखा है? एसी ऑफ। चलो हाँ, बस ये है कि भाई उस गाड़ी में दो लोग हैं। 30 in 3 2 चल भाई। खच 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 गई। चल 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 चलेगी 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 चलेगी। ये रह गया ना, खींच के कवर कर रहा, कवर कर रहा, पकड़ 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 रहा इसको, पकड़। हाँ हाँ कवर मार जाते भैया, 100 बात की एक बात, बुड्ढी मत समझ लेना इस गाड़ी को, बता रहा हूँ मैं। गाड़ी नहीं है बेटे, सौदा है असली। किलोमीटर भाई क्या बोलूं यार मैं, सरप्राइज्ड, जेन्युइनली सरप्राइज्ड भाई। पूरी टक्कर है, पूरी की पूरी, नेक टू नेक थी भाई। ये बीच में एक मतलब वही है, ब्रेक हमें टाइम पे लेना चाहिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, बट मार जाती है कवर, कवर मार जाती है, टक्कर भी है, पर ये भी थोड़ा सा देखो टफ, पर अगर थोड़ा लंबा ट्रैक होता तो वो शायद निकल सकता। हाँ लंबे ट्रैक में एक्सयूवी निकल लेगी। तो भाई तीन राउंड हम कर चुके हैं और विजेता देखो घोषित करना तो मुश्किल है, बट आप ही लोग बताओगे कि विजेता कौन सी गाड़ी है। अब का जो राउंड है ना, ये कुछ चेक कर रहे हैं भाई, कौन सा मोड एक्टिवेट कर रहे हो। चलो ये वाला पेड़, ड्रैग इन 3 2 1
भाई इतना सरप्राइज्ड हूँ टाटा हैरियर से मैं कि क्या ही बताऊँ। थोड़ा ट्रैक और चाहिए, बट निकल जाती है भाई, निकली है 100% निकली। तो भाई हमने करे हैं कह सकता हूँ मैं 4 राउंड और अनएक्सपेक्टेड। भाई मैं कह सकता हूँ जो मैंने बोला था ना, सबर का फल मीठा होता है, सही में होता है। हमने इतने महीने सबर करा कि ये गाड़ी आए और इस गाड़ी ने फिर आपके सामने है भाई सारा सौदा क्या है। ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, बट टाटा हैरियर की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। मैं जो सोचता था ना, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी टाटा हैरियर से वो थोड़ी कम थी, बट टाटा हैरियर ने अपने आप को खरा उतरा है। और हैरियर की चीज़ नहीं भाई ये, 170 bhp वाला जो इंजन है ना, बेसिकली मल्टी जेट जो जीप की कंपस के अंदर भी आता है, मैं कह सकता हूँ उस गाड़ी की तो होड़ ही नहीं है यार। मैनुअल डीजल जीप कंपस जैसी मैंने गाड़ी नहीं देखी है, ये वही इंजन है। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। यही थी आज की ड्रैग रेस, और इंस्टाग्राम आईडी डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। मेल आईडी डालता हूँ, जो भी भाई रिव्यूज़ और रेसेस के लिए इंटरेस्टेड हो मेरे को ज़रूर बताना। अपने 125 के चाहने वाले कितने हैं और हैरियर के चाहने वाले कितने हैं कमेंट में ज़रूर बताना। कहाँ कहाँ से मेरे व्यूअर्स, कहाँ कहाँ से मेरे को प्यार मिल रहा है इस चैनल पर, मेरे को ये भी ज़रूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।